Hey guys, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to continue another chapter from class 10th biology, and the chapter is life processes. So guys, I have already posted one video for the chapter in which we have discussed about nutrition, right? So today's video is going to be detailed explanation about heterotrophic mode of nutrition. So without wasting any time, let's begin with the today's video guys. So guys, जैसा कि previous video में हम लोगों ने autotrophic mode of nutrition की बात की थी. Autotrophic mode of nutrition, everybody is knowing what is autotrophic mode of nutrition, right? So autotrophic mode of nutrition क्या होता है? Basically ये ऐसा mode of nutrition होता है जिसमें कि जो organisms हैं वो अपने food खुद बनाते हैं. So उस category में हमने generally place किया था green plants. ठीक है, सो नाउ टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, क्योंकि जितना भी चेंज है चैप्टर का वो इसी पार्ट में है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में. इसी के बाद हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. सो गेट इट वेरी क्लियर, बहुत अच्छे से समझिएगा, एंड वट एवर डाउट विल बी देयर आई विल क्लियर दोज डाउट, राइट? सो फर्स्ट थिंग है, हम क्लासिफिकेशन देखेंगे. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कुछ सब कैटेगरीज भी होती है. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक. सो बेसिकली तीन ये कैटेगरीज है जिसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, और इन सारी कैटेगरीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट दो कैटेगरीज हैं वो है होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक, राइट? क्योंकि आगे जो फर्दर रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है आप लोगों के सिलेबस में, सो उसमें हम लोग सेप्रोफाइटिक यानी कि एसेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी कि पहला हमारा क्या है. पहला हम लोग बात करने वाले हैं होलोजोइक. होलोजोइक क्या होता है? ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि हेटरोट्रॉपिक में भी ऐसे एनिमल्स जो कि किसी सॉलिड फूड को खाते हैं, एंड आफ्टर दैट इंटेक्टिव करने के बाद बेसिकली वो क्या करते हैं कि उस फूड को अपने स्टमक में डाइजेस्ट करते हैं, राइट? सो क्या है, व्हेन एनिमल्स इंटेक सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड देयर बॉडी. ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि कोई वो सॉलिड चीज खाते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, वी आर ह्यूमन बींग, सो फॉर अस इवन कुक्ड फूड इज ऑल्सो सॉलिड. ठीक है, सो हम सॉलिड हैं, सो हम ये जान रहे हैं कि वो जो हम खा रहे हैं वो हम खा लेते हैं, फिर वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर बेसिकली डाइजेस्ट होता है, राइट? सो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? होलोजोइक जैसे कि इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल. एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको एग्जाम्पल एकदम क्लियर होना चाहिए. सो व्हाट एग्जाम्पल इज गिवन? एग्जाम्पल इज गिवन अमीबो एनिमल. एनिमल्स में हम लोग आते हैं ह्यूमन बींग्स, लाइट डाउन, कैट, डॉग्स, वट एवर इज एग्जाम्पल यू कैन लर्न. क्योंकि जनरली गाइस क्या होता है, हमें अपने सराउंडिंग से समझना चाहिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि हम अपने सराउंडिंग से चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, वट एवर बुकिश नॉलेज वी आर टेकिंग और वी आर गेटिंग फ्रॉम स्कूल एंड टीचर्स, दैट इज रिलेटेड टू आवर सराउंडिंग, राइट? सो जस्ट कनेक्ट, ट्राई टू कनेक्ट योर सेल्फ विद योर टॉपिक्स एंड योर सराउंडिंग, राइट? नाउ नेक्स्ट वन इज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सेप्रोफाइटिक. सेप्रोफाइटिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Guys, I am telling you what example or what the things are important for you and what is not. Saprophytic kya hota hai? Organisms which feed on dead and decaying matter. Dead and decaying matter, you must have seen ki jab koi wood ki cheez kuch din paani mein, moisture mein ya fir barish mein bahar shoot jati hai, so it starts decaying, sadna shuru ho jati hai. आप देखोगे जब कभी आपने नोटिस किया होगा, यू मस्ट हैव फाउंड कि जो प्लांट्स होते हैं और अगर उनके ऊपर की जो स्किन होती है, हार्ड जो होती है, हार्ड स्किन होती है ब्राउन कलर की, वो अगर कहीं से फटी रह गई है या फट गई थी, सो
उसमें से मशरूम यानी कि फंगस निकल आती है, फंगस निकल आती है, सो दैट इज सेप्रोफाइटिक, यानी कि वो सड़ना शुरू हो गया है वो एरिया प्लांट का। आपने जनरली देखा होगा वुडलॉक, जब कहीं वुडलॉक बारिश में खुले छूट जाते हैं, सो यू हैव मस्ट सीन कि जब वो सड़ने लगते हैं, व्हेन दे गेट इजली ब्रोकन विद द हैंड्स, सो इट मीन्स दे आर गेटिंग डिकेड। सो उसमें आपने बहुत बार नोटिस किया होगा छोटे छोटे फंगस हो जाते हैं, मशरूम टाइप फंगस, राइट, वाइल्ड फंगस। सो दीज आर बिकॉज दे आर फॉलोइंग द सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे कोई ऑर्गेनिज्म डिपेंड करे। इट कैन बी ऑन एनिमल ऑल्सो, अगर कहीं आप देखोगे बहुत दिन तक कोई मरा हुआ जानवर छोड़ दिया जाता है तो फाउल स्मेल डेवलप हो जाती है, एंड दैट फाउल स्मेल हेल्प फॉर डेवलपिंग द सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, राइट राइट। सो एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एग्जाम्पल इज फंगस नहीं, मशरूम टाइम, मैंने आपको वाइल्ड फंगस का एग्जाम्पल दिया, राइट। सो वाइल्ड फंगस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। ना नेक्स्ट जो है वो है हमारा पैरासाइटिक। पैरासाइटिक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं आपको पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, राइट। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इंसेक्टिवोरस प्लग इन योर अर्लियर क्लासेस, यू मस्ट बी इन फिफ्थ सिक्स क्लास, राइट, इन सोशल स्टडीज एंड साइंस। सो दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पैरासाइटिक, इट मीन्स कि उनकी जो डेवलपमेंट होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि वो दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिजम को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। जो वो ट्रैप कर लेते हैं, सो दे ट्रैप दोज स्मॉल ऑर्गेनिजम्स अराउंड देयर, और वही होता है उनका न्यूट्रिशन का मोड। You must have heard about the world's biggest flower, Rafflesia. That Rafflesia is also one of kind of parasite. Parasite कैसे होता है? Parasite ऐसे होता है कि जब you go near that flower, basically it is impossible to go because it gives so bad foul smell. बहुत ही गंदी rotten egg की smell आती है, rotten meat की smell आती है उसमें, and it's very difficult to go there, right? So जब हमारे लिए impossible होगा, but कुछ organisms हैं जो attract होते हैं उस smell से, बहुत strong smell होती है, so कुछ trap हो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, and few health in pollination, right? So कुछ different case है Rafflesia में, but yeah, you can intercut it. You must have heard about Cascadia insectivorous plant. So insectivorous plant Cascadia has some openings around its pollen sac area, जो ऊपर का pollen area होता है वहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि जब कोई insect उसके ऊपर बैठता है, so it gets trapped, कुछ ऐसा sticky liquid present होता है, and after that a spore is open and the insect goes inside and get degrade, right? सो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हमने इतना सब कुछ डिस्कस कर लिया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, राइट। पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच लिव इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड होस्ट, ठीक है, किसके अंदर रहते हैं, होस्ट, एंड डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, यानी कि ये कुछ ऐसे होते हैं, आपने टिक्स के नाम सुनेंगे जो एनिमल्स पे होते हैं, यू मस्ट हैव, अगर किसी के घर काव फार्म होगा या फिर काव देखी होगी, सो यू हैव सीन दोज स्मॉल स्मॉल एनिमल्स विच गेट स्टक ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, राइट, एंड दे सक इट्स ब्लड एंड बिकम लास्ट टाइम समथिंग लाइक दैट, यू मस्ट हैव सीन। सो दे आर कॉल्ड टिक्स, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जाकर स्टिक हो जाते हैं, और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम होस्ट कहते हैं, फिर जो भी होस्ट रहता है वो जो भी न्यूट्रिशन इंटेक करता है, दोज पैरासाइटिक एनिमल्स प्रिफर ऑन दोज न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। सो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल तो बता ही दिया, इंसेक्टिवोरस प्लांट में आप कुछ भी लिख सकते हो, पिचर प्लांट, और यू कैन राइट अबाउट एनिमल्स, टिक्स आर द एनिमल्स, राइट।
राइट। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी कि हमें देखना है कि क्या प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारा न्यूट्रिशन अमीबा के लिए प्रोसेस कैरी आउट करता है। सो हेयर इज वन इम्पॉर्टेंट डायग्राम एंड इट्स ईजी ऑल्सो फॉर यू टू ड्रॉ, राइट। सो एज आई टोल्ड यू 5 मार्क्स के क्वेश्चन में यू नीड टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ डायग्राम। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 5 मार्क के क्वेश्चन में बिना डायग्राम के आंसर इज नेवर एक्सेप्टेड। एज आई टोल्ड यू कि आंसर शीट होती है जिसकी हेल्प से एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है। सो इन दैट स्पेशली डायग्राम इज मैंशन फॉर 5 नंबर मार्क्स। सो हेयर इज दिस इज योर अमीबा and I have marked with the blue color boundary. This is your amoeba, right? In amoeba, there at the center it is mentioned your nucleus. This is your nucleus with the yellow color I have mentioned, and with the red color I have mentioned with your food particles, or you can say the insect, right? So see, I have mentioned clearly for you so that you can easily understand. So guys, this is your amoeba. It is single celled organism and which possesses a center nucleus. Here is center nucleus, and it doesn't have any feet or hand to walk or perform any other works. So jab bhi uske paas ye food particle aata hai, उसके पास अमीबा के पास अगर कोई फूड पार्टिकल आता है सो वो अपना फॉल्स फीट यानी कि स्यूडोपोडिया को डेवलप करता है उस ऑर्गेनिज्म के अराउंड। उस ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में वो एक अपना फॉल्स फीट स्यूडोपोडिया डेवलप करता है, और सडनली वो क्या करता है, बैक साइड से स्यूडोपोडिया को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। सो जब वो स्यूडोपोडिया को पीछे से बैक साइड से ज्वाइन करता है तो इंसेक्ट या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो उसमें स्टक हो जाता है, और जिस एरिया में वो स्टक होता है उसको हम लोग फूड ओव्यूल कहते हैं। फिर उस फूड ओव्यूल के अंदर कुछ एंजाइम सिक्रीट्स होना शुरू होते हैं जो कि हमारा इंसेक्ट को डिग्रेड कर देते हैं, और जो भी न्यूट्रिशन हमारा ऑर्गेनिज्म से रिलीज होता है उसे अमीबा अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द प्रोसेस हाउ अमीबा टेक्स इन इट्स फूड, राइट। नाउ अब हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि क्या चीज़ होती है, किस प्रोसेस से बेसिकली हमारा अमीबा जो होता है वो फूड इनटेक करता है। सो इट इज स्पेशली होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें वो किसी सॉलिड सब्सटेंस को ईट करता है, ठीक है। सो वो इंसेक्ट को ईट कर रहा है, सो इट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। देखो आगे मेंशन बी ए नोट्स में आपका, सॉलिड फूड पार्टिकल्स आर इंजेस्टेड विद विच रिएक्ट विद एंजाइम्स एंड आर डाइजेस्टेड, ठीक है। यानी कि कोई सॉलिड पार्टिकल्स को इंजेक्ट करना खाना और फिर उसको डाइजेस्ट करना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। सो हेल्प ऑफ एंजाइम इज हेयर एंजाइम होलोजोइक। दीज आर योर कीवर्ड्स फॉर द एंड सॉलिड फूड पार्टिकल्स। सो दीज आर योर कीवर्ड्स फॉर दिस आंसर, राइट। और जनरली अगर बोले तो ये ओमनीवोर्स होते हैं। ओमनीवोर्स मीन्स ये किसी भी जनरल चीज को खा सकते हैं, इंसेक्ट हो या फिर किसी और मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ऑर्गेनिज्म हो, सो दे कैन ईट। अब इसमें 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अमीबा के न्यूट्रिशन में हमेशा याद रखना है। सो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट योर, राइट। अमीबा मूव्स विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मीन्स स्यूडोपोडिया इज फॉल्स फीट। आई एम राइटिंग हियर सी फॉल्स फीट, यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि दे डोंट हैव दियर रियल फीट, ट्रू फीट नहीं होते। सो ये अपने
बॉडी के ही पार्ट को कुछ इस तरीके से हैंड लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप करते हैं मेम्ब्रेन्स को, जिससे कि एक फीट और हैंड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, एक्सटेंशन डेवलप होता है, एंड दैट एक्सटेंशन इज नोन एज स्यूडोपोडिया। इसी स्यूडोपोडिया से ये लोग अपना ऑर्गेनिज्म को भी कैच करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड है फूड वैक्यूल। जब भी ये सराउंड करना शुरू करते हैं ऑर्गेनिज्म को, सो जो एरिया ये ऑर्गेनिज्म के सराउंड मेंटेन करते हैं एक, उसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल, राइट? सो फूड वैक्यूल इज मेंटेन्ड अराउंड द ऑर्गेनिज्म जब स्यूडोपोडिया से उसे कैच करने का उस ऑर्गेनिज्म या अमीबा सोच रहा होता है। एंड द लास्ट वन इज अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट। अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट का मतलब कि जब एंजाइम सेक्रीट हुए और जो ऑर्गेनिज्म था उसका सारा न्यूट्रिशन अमीबा के साइटोप्लाज्म में ऐड हो गया। ठीक है, लेट्स सी फर्स्ट, दिस इज योर अमीबा, दिस इज योर अमीबा, हेयर इज योर न्यूक्लियस, दिस ग्रीन एरिया इज योर न्यूक्लियस एंड दिस इज योर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को आपने कैच कर लिया एंड दिस इज योर फूड वैक्यूल एरिया, राइट? सो क्या हुआ कि इसमें जो मेम्ब्रेन थी, ठीक है, मेम्ब्रेन जो ये येलो स्ट्रक्चर है ये मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है बेसिकली, मेम्ब्रेन नहीं। सो जो अमीबा का मेम्ब्रेन थी उससे सेक्रीशन शुरू हुआ एंजाइम्स का। एंजाइम ने क्या किया कि जो इस ऑर्गेनिज्म का इसका जो भी न्यूट्रिशन था वो टेक कर लिया, यानी कि निकाल लिया। निकालने के बाद इसने जो न्यूट्रिशन था एन, यानी कि न्यूट्रिशन, सो जो न्यूट्रिशन था उसको इसने क्या किया, साइटोप्लाज्म में ऐड कर दिया, अमीबा के साइटोप्लाज्म में इन्होंने ऐड कर दिया। फिर जो रेसिडुअल पार्ट, इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा हुआ था, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट जो भी था, उसको इन्होंने क्या किया कि इस एरिया में एक एक्सक्रीशन के लिए एक छोटा सा पॉइंट खोला और इस ऑर्गेनिज्म को बाहर निकाल दिया। ठीक है, सो जब इस ऑर्गेनिज्म को लोगों ने यहाँ से बाहर निकाल दिया, इस ऑर्गेनिज्म को, सो क्या हुआ, ये हो गया एक्सक्रीशन का मेथड, राइट? सो क्या था कि जो भी एंजाइम से रेसिडुअल बॉडी बच गई है बेसिकली प्रेडिटर की, सो उसको उसने, अमीबा ने एक छोटा सा स्ट्रक्चर डेवलप किया, एग्जेशन पॉइंट डेवलप किया और उस पॉइंट के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया, वेस्ट प्रोडक्ट था। सो लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि लास्ट में क्या हुआ, एक्सक्रीशन हुआ। ठीक है, सो आप टर्म वाइज याद करोगे तो आपको जल्दी याद होगा। तो लास्ट में हमारा हुआ है एक्सक्रीशन, राइट? फूड वैक्यूल फॉर्म होने के बाद का प्रोसेस बहुत इजी होता है। सिमिलरली बस आपको यह याद रखना है कि जब स्यूडोपोडिया डेवलप करना शुरू करता है, सो उस स्यूडोपोडिया के डेवलप करने के साथ साथ क्या शुरू हो जाता है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन भी शुरू हो जाता है। सो वी कैन से दैट पॉइंट वन जो मैंने बताया आपको, इट इज इंटरलिंक्ड विद पॉइंट टू। सो आप इंटरलिंक करके देखो, सो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, सो ये तो था अमीबा के बारे में। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। बहुत ही कॉमन टॉपिक है बट उतना ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है गाइस क्योंकि जनरली इस क्वेश्चन को हम लोग इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, बट क्वेश्चन जब आते हैं सो हम लोग कंफ्यूज करते हैं। सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेल। सो सबसे पहले जो चीज़ हम थोड़ा सा पढ़ेंगे वो है कि ह्यूमन न्यूट्रिशन जो होता है वो कैसे इंटेक करता है, कैसे लेता है। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ जो होती है वो होती है एलिमेंट्री कैनाल। सेकंड चीज़ जो होती है वो होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो एलिमेंट्री कैनाल में हमारा पूरा आ जाता है,
थ्रोट, फूड पाइप, विंड पाइप और जो भी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, माउथ, ये सब चीज़ें पूरी आ जाती हैं। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं हमारी जो आती हैं इस कैटेगरी के अंदर, जो कि हमारे हेल्प करती है ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन को इंटेक करने के लिए। ठीक है, सो सी दिस इज द चार्ट फॉर्म विच योर एक्सप्लेन्स अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्पस कि इससे आपको, इस चार्ट से आप सब कुछ समझ जाओगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। सो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो शुरू होता है माउथ से। कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है। माउथ में कौन सी ग्लैंड सबसे पहले प्रेजेंट होती है? फर्स्ट ग्लैंड अगर कोई आपसे पूछ रहा है हमारी, सो आपको बताना है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड गाइस हमारी बॉडी की सबसे पहली ग्लैंड होती है। सबसे पहली ग्लैंड का मतलब है कि जो हाँ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि फूड का डाइजेशन शुरू होता है न्यूट्रिशन इंटेक करने के लिए, वहाँ की ये सबसे पहली ग्लैंड होती है। और ये क्या सिक्रीट करती है? सिक्रीट करती है ये सलाइवा। सलाइवा मीन्स सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज को सिक्रीट करती है, जो कि क्या करती है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का फॉर्म करती है। इस फंक्शन को जनरली कौन परफॉर्म करता है? परफॉर्म करता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए सलाइवरी एमाइलेज हेल्प करती है। सो माउथ के बाद, माउथ में हमारा और क्या प्रेजेंट होते हैं? टंग एंड टीथ। टंग एंड टीथ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। टीथ हमारा फूड को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं और टंग करता है कि वो उस फूड को रोल करके और उसमें सलाइवा को अच्छे से मिक्सअप करने का काम करती है। नेक्स्ट जो आता है पाथवे हमारा होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस मीन्स योर फूड पाइप। ईसोफेगस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फूड को माउथ से कहाँ तक? स्टमक तक ले जाने का फंक्शन परफॉर्म करती है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर फूड माउथ में ही रह जाए सो उसका डाइजेशन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सो इसलिए ईसोफेगस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। और ये जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका ये और होता है कि ये कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन में हेल्प करता है किसका? एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के फंक्शन में भी ये बहुत हेल्प करते हैं। थर्ड जो पाथवे आता है वो होता है स्टमक। अब हमारा ईसोफेगस से फूड कहाँ पहुँच गया है? स्टमक। स्टमक में हमारे तीन सबसे इम्पॉर्टेंट गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं। ठीक है, पहला गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो होता है आपका पेप्सिन। पेप्सिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रोक डाउन ऑफ प्रोटीन। सेकेंड होता है एससीएल। एससीएल क्या होता है? पेप्सिन के एक्ट करने के लिए बेसिक मीडियम, यानी कि आप कह सकते हो ये मीडियम क्रिएट करता है किसके लिए? पेप्सिन का एक्ट करने के लिए, जिससे कि वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सके। और लास्ट होता है म्यूकस। म्यूकस का फंक्शन होता है कि वो जब एचसीएल हमारे स्टमक में प्रेजेंट हो या फिर सिक्रीट हो रहा हो सो वो स्मूथ लाइनिंग को बचाता है स्टमक की। अगर उस स्टमक की लाइनिंग में एचसीएल रिएक्ट कर जाए तो हमारी लाइनिंग जो है स्टमक की वो बर्न कर जाएगी, और जिसकी वजह से हमें बर्निंग इन स्टमक जैसी फीलिंग आती है एंड वी गेट यूज टू टेक वेरी अदर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, जिसके हमारे बॉडी का टेम्परेचर लो हो सके और हमारे स्टमक में रिलीफ मिल सके। राइट, एंड फोर्थ पाथवे इज स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली गाइस इट इज अ मिथ कि फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहले जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में बाद में जाता है। इट्स अ टोटल मिथ। टोटल मिथ कैसे है? क्योंकि हमेशा आप देखोगे सो जो हमारा एनस होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। राइट,
सो इट्स अ टोटल मिथ एंड बीइंग एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट यू शुड नो ऑल दीज स्मॉल स्मॉल फैक्ट्स. सो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करती हैं. क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन करती हैं? लीवर एंड पैनक्रियाज. लीवर एंड पैनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. सो जो लीवर होता है वो हमारा सिक्रीट करता है बाइल जूस और पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस. ठीक है, ये दोनों के सिक्रीशन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सिक्रीट होती हैं, जैसे कि इंटरस्टिशियल एंजाइम्स. यानी कि एंजाइम्स में हमारा इंटरस्टिशियल एंजाइम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है. इसमें बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के डिग्रेशन के लिए, फैट के डिग्रेशन के लिए और प्रोटीन के डिग्रेशन के लिए. ठीक है, इन सब के डिग्रेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? सो कार्बोहाइड्रेट के डिग्रेशन के लिए हमारा ग्लूकोज यूज होता है. ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम्स होते हैं. फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ठीक है, और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट किया जाता है? अमीनो एसिड. सो इंटरस्टिशियल एंजाइम्स से ये तीनों सब्सटेंसेस को कॉम्प्लेक्स जो हैं नेचर में उनको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे कि आगे लार्ज इंटेस्टाइन में उनमें जो भी बचे हुए न्यूट्रिशन है उनका एब्जॉर्प्शन किया जा सके. एक जो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिक्रीट हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो है पैनक्रियाटिक जूस. पैनक्रियाटिक जूस में बेसिकली टू सबसे इम्पॉर्टेंट जूसेस होते हैं, पहला ट्रिप्सिन एंड सेकेंड में लाइपेस. सबसे पहले हम ट्रिप्सिन की बात करें. ट्रिप्सिन जो करता है वो क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में, यानी प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं तो उनको सिंपल पेप्टोन सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने का काम करता है. और लिपेज जो होता है वो इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है. सो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसी का था. बेसिकली जो बाइल जूस होता है वो इमल्सिफिकेशन का काम करता है, फैट्स के लार्ज मॉलिक्यूल को वो स्मॉल फैट ग्लोबुलस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है. ठीक है, एंड फिफ्थ वन इज योर लार्ज इंटेस्टाइन. इट मींस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाता है फूड? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली सिर्फ एक फंक्शन परफॉर्म होता है, एक्सेस वाटर का एब्जॉर्प्शन. यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ जो भी एक्सेस वाटर बचा होता है हमारे फूड में, फूड पार्टिकल्स में, उनका एब्जॉर्प्शन होता है. राइट, और इस एब्जॉर्प्शन के बाद जो सेकेंड लास्ट पाथवे होता है वो होता है रेक्टम. रेक्टम इज नॉट मेंशन जनरली इन प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि जितना भी बॉडी का रेसिडुअल वेस्ट होता है वो टेम्परेली यहाँ पे कनेक्ट होता है. कहाँ पे कनेक्ट होता है? कलेक्ट होता है रेक्टम पे. और रेक्टम के बाद जो भी हमारा वेस्ट होता है वो एनस के थ्रू बाहर रिलीज कर दिया जाता है. सो ये था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. बहुत ही कॉम्प्लेक्स है एंड बहुत ही सिंपल भी है, बस इट्स मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग गाइस. सो आप इस चार्ट के थ्रू अगर पढ़ने की कोशिश करोगे सो यू विल डेफिनेटली गेट द पॉइंट्स. सो यू हैव नॉट टू नीड टू वरी एट ऑल एंड जस्ट गो थ्रू द चार्ट विच आई एम एक्सप्लेनिंग यू हियर. सो इस चार्ट से आपको क्या हेल्प होगी कि आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा. यू डोंट हैव टू टर्न अ लॉट ऑफ पेजेस टू गो फॉर एवरी सिंगल प्रोसेस. राइट, नाउ दिस इज योर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. हियर योर ऑल ग्लैंड्स along with the pathways are mentioned. So let's come on once we can see this. So देखो सबसे पहले mouth, then उसमें क्या है, gland present है. Right, gland के बाद ये है हमारा esophagus. के बाद esophagus से हमारा कहाँ पहुँचता है, stomach में पहुँचने के बाद वहाँ पे जो भी breakdown होता है फिर वो पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, सी आई एम मेंशनिंग है फॉर यू ऑल. स्मॉल से लार्ज से कहाँ पहुँचता है, रेक्टम. सी
दिस इज योर रेक्टम. ए आई एम मेंशनिंग हियर, यू जस्ट सी राइट. सो दिस इज योर रेक्टम एरिया. हाँ दिस इज योर रेक्टम एंड एट लास्ट दिस इज योर एनस. सो गाइस ये तो था आपका पूरा बेसिकली क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम. अब आप इसमें देख सकते हो कि बहुत सारे पार्ट्स मैंने आपको बताए थे जिससे कि हमारे क्या हो रहा था सिक्रीशन हो रहा था. जैसे कि ये है सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड से हमने क्या देखा था सलाइवरी एमाइलेज. इसी तरीके से लीवर भी एक ग्लैंड है ठीक है. गॉल ब्लैडर इज ऑल्सो योर वन ग्लैंड फाइन. And next is your pancreas. These all are your glands. So you have to clearly understand कि कौन से glands से क्या चीज़ secrete हो रही. बहुत important है क्योंकि generally जो first stage है digestive system की वो यही है. और maximum of the questions are asked from this chapter and this topic basically. Okay? That which enzyme is secreted by liver? Which enzyme or you can say juice or you can say lipids, digestive juices, koi bhi term lekar aapse pucha ja sakta hai that what is released from this organ. So you must know ki liver se bile juice secrete hota hai, pancreas se pancreatic juice, into small intestine mein interstitial juices, enzymes, large intestines mein excess of water absorption. सो यू शुड नो कि कौन सी प्लेस में क्या प्रोसेस हो रहा है क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज रियली वेरी कॉम्प्लेक्स राइट. कॉम्प्लेक्स होती है बट अगर आप उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो कॉम्प्लेक्स होने के साथ भी ये आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगी कि आप समझो चीज़ों को राइट. सो डोंट वरी एंड ऑब्वियसली आई एम हेयर टू हेल्प यू. आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरी टॉपिक सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद एनी ऑफ द टॉपिक राइट. सो जस्ट वॉच द कम्प्लीट वीडियो ऑफ एवरी चैप्टर विच आई पोस्ट फॉर यू बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ हार्डवर्क बिहाइंड मेकिंग दीज वीडियोज फॉर यू ऑल सो दैट वट एवर प्रॉब्लम आई हैव फेस ड्यूरिंग माई क्लास टेंथ I don't want that you guys also face those problems. There is a lot of people or you can say a lot of students who don't have any family member who can teach them. And obviously this is your pandemic time and during this time you really need someone beside you who can help you in your studies. Right? So I am here for your help. Just I need one help from you all also. Just do subscribe and also like the video along with watching those videos completely, right? Because complete watching of video is very important for understanding any of the topic. And obviously, I am doing a lot of hard work for you all, so I want something from you too. And that is that please do like to the videos and also do subscription of my channel and press the bell icon so that you are tuned for all the new updates right. So this was all about the today's topic and I hope ki aapko jitna bhi maine samjhaya hai it is all crystal clear in your mind. If there is any doubt please I request you to ask those doubts in the comment section because I read each and every comment of you all so that I can personally check out your problems and try to solve those problems in next upcoming videos right. So do comment for any of the problems you face during watching the video right. So that's all guys for today's video. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe. Bye.